हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप सब लोग बढ़िया है एंड सब एवरीथिंग इज गुड. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स दैट इज कॉल्ड स्टार्स एंड बार्स थ्योरम. स्टार्स एंड बार्स थ्योरम. ओके, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस, लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट विच सेज कि मान लो आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से दो ऑब्जेक्ट्स आपस में सेम है, तीन आपस में सेम है, लेट से फाइव आपस में सेम है. तो इनके कितने परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? यू ऑल नो द आंसर फॉर दिस. एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो एन फैक्टोरियल, जिसमें से दो सेम हैं, तीन आपस में सेम है एंड फाइव आपस में सेम है, सो डिवाइड बाय दिस. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो यू हैव द स्ट्रिंग ए ए ए बी बी सी. तो इसके कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 ए आपस में कॉमन है, 3 फैक्टोरियल, 2 बी सेम है तो 2, एंड सी ए किया तो नेवर माइंड. सो दिस इज इट. ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, इसलिए ये आपको आना चाहिए था. ऑलराइट, अब स्टार्स एंड बार्स थ्योरम क्या कहता है? मान लो आपके पास है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. ओके, आपके पास अगर है एन आइडेंटिकल बॉक्स ऑब्जेक्ट जिनको आपको डिवाइड करना है इन के डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है, विद अ कंडीशन दैट हर एक बॉक्स में जीरो से लेके एन तक कितने भी ऑब्जेक्ट्स जा सकते हैं. फिर से एक बार देखते हैं क्या बोला जा रहा है. आपके पास है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आपको के डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड करना है, सच दैट एनी बॉक्स, एवरी बॉक्स कैन हैव बिटवीन जीरो टू एन ऑब्जेक्ट्स बोथ इंक्लूडेड. ऐसी प्रॉब्लम जब भी आपको दिखेगी या ऐसी एनालॉजी किसी में अगर लग रही है तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन किसका है, स्टार्स एंड बार्स का. तो बच्चों, तो स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन. एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट बॉक्सेस, सो एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन. ये आया कहां से, इसके ऊपर बात करते हैं. इसको याद भी करेंगे और बाकी स्टार्स एंड बार्स से इसका हम तरीका भी देखेंगे कि ये कैसे आया. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो हमारे पास है फाइव स्टार्स एंड वी हैव टू डिवाइड इन थ्री बॉक्सेस. ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5, तीन बॉक्स में डिवाइड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे दो लाइन्स खींच दू, तीन बॉक्स के लिए दो बार्स लगा दें, कहीं पे भी रख दो बार्स, तो तीन में डिवाइड हो गया ना. यू हैव नाउ थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप 2 स्टार्स 1 स्टार एंड देन 2 स्टार्स. तो पहले बॉक्स में जाएंगे 2 स्टार्स, देन 1 स्टार एंड देन 2 स्टार्स. ओके, मान लो हमने ऐसे रख दिए हैं अपने बार्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट बॉक्स विल हैव 2 स्टार्स, सेकेंड विल हैव 3 स्टार्स एंड द थर्ड बॉक्स विल हैव 0 स्टार्स. ओके, एंड इफ आई पुट द बॉक्स दीज बार्स लाइक दिस, इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट बॉक्स में 0 स्टार्स, सेकेंड में ऑल 5 एंड थर्ड अगेन विल हैव 0. सिमिलरली इफ आई पुट द बार्स लाइक दिस, व्हाट डज दिस मीन? ऑल 5 गोज टू द वन बॉक्स, सेकेंड एंड थर्ड बॉक्सेज आर एम्प्टी. सो हाउएवर यू प्लेस दीज टू बार्स इन बिटवीन देम और आगे या पीछे कहीं पे भी लगाएंगे, उसके हिसाब से आपको अरेंजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिल जाएगा. तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा सोच सकते हैं मेरे पास 5 स्टार्स हैं और 2 बार्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए टोटल? 7 ऑब्जेक्ट्स. सो इनका अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल, जिसमें से 5 स्टार्स सेम है तो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 बार्स सेम है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. इसी को फ्रेंड्स अगर हम जनरलाइज करेंगे तो हमारे पास थे एन ऑब्जेक्ट्स एंड के बॉक्सेस, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? एन प्लस के माइनस वन फैक्टोरियल. एन बॉक्सेस में सॉरी के बॉक्सेस के लिए के माइनस वन बार्स चाहिएंगे. सो यू विल हैव एन ऑब्जेक्ट्स एंड यू विल हैव के माइनस वन बार्स. तो एन प्लस के माइनस वन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एंड के माइनस वन फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, एंड हेंस वी हैव दिस फॉर्मूला. सिर्फ एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये कि इन के बॉक्सेस में
जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ऑब्वियसली बिटवीन लेस देन एन. सो एनीथिंग बिटवीन जीरो टू एन, ये नहीं भूलना है. सो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन लाई हूँ आप लोगों के लिए. मान लो यू हैव फोर वेरिएबल्स ए बी सी एंड डी जिसका सम आपको 100 लाना है और कंडीशन वही है कि ए बी सी एंड डी आर नॉन नेगेटिव. बेसिकली दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ऑब्वियसली इन चारों की वैल्यू लेस देन 100 ही होगी, राइट? ठीक है. तो अब अगर आप देखें ये क्वेश्चन स्टार्स एंड बार्स से मैच हो रहा है कैसे, लेट्स हैव अ लुक. ए बी सी एंड डी चार वेरिएबल्स, ऐसे मान सकते हैं दे आर चार डिफरेंट बॉक्सेस एंड इसमें चारों का सम हमें 100 चाहिए. तो इन चारों बॉक्सेस में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स का सम मुझे 100 चाहिए. तो कैन आई थिंक ऑफ इट लाइक आई हैव एन 100 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट बॉक्सेस. मैच हो गया एंड प्लस कंडीशन भी सेम है कि हर एक बॉक्स में वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ सकती है. तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टार्स एंड बार्स. तो आंसर सिंपल हो गया, 100 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, सो 103 सी 3, डन. तो दूसरा इसमें एक छोटा सा वेरिएशन और हो सकता है क्वेश्चंस में. मान लीजिए आपको x1 से xk के वेरिएबल्स हैं जिनका सम n लाना है. वैसे तो सारे वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव मान लीजिए, लेकिन एक या दो वेरिएबल्स पे कुछ कंडीशन है कि x1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर x2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5. कोई भी यहाँ पे वेरिएबल 0 से बड़ा ना होके 2 या 5 से या कुछ भी और नंबर से बड़ा है, तब हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, लेट्स हैव अ लुक. अब देखो, मुझे कुछ बॉक्स में दो ऑब्जेक्ट्स डालने ही है, सेकेंड बॉक्स में 5 ऑब्जेक्ट्स डालने ही है, उसके ऊपर कुछ भी डाल सकते. तो आप ऐसा मानो कि एक्स, तो उसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी डाल दो, ठीक है. तो ऐसे मान लो कि फर्स्ट बॉक्स में जो नंबर जाएगा दैट वुड बी कैपिटल x1, सेकेंड बॉक्स में जो नंबर जाएगा दैट विल बी कैपिटल x2 जिसके अंदर दो ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलराइट. और बाकी सारे वेरिएबल्स हमारे पास सेम ही है प्लस एक्स के. अब देखो, अगर आपने फर्स्ट बॉक्स में दो डाल ही दिए तो आपके पास कितना बचा है, ऑब्जेक्ट्स कितने बचे, एन माइनस टू. सेकेंड बॉक्स में आप 5 ऑलरेडी डाल चुके हो अगर, तो आपको ऑब्वियस इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो अब ये जो वेरिएबल्स है गाइस, x1 x2 x3 xn, इन सब के ऊपर वही कंडीशन है दैट दे ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना. तो क्या हुआ, जिन जिन वेरिएबल्स के ऊपर कंडीशन है दैट दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 5 या इन जनरल अगर मैं ले लूं ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड बी, तो हम अपने एन में से वो ए और बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अगर यहाँ पे किसी और के ऊपर भी कोई कंडीशन है तो हम वो भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑलराइट. तो नाउ आंसर वुड बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम ही रहे, लेकिन ये जो हमारी एन ऑब्जेक्ट्स थे वो हमारे कम हो गए. क्यों? क्योंकि हमने ए बी और सी में ऑलरेडी ये मान के चलो कि आप 3 बॉक्सेस में उतने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी डाल चुके हो. तो दिस इज द केस. तो अब आंसर क्या हो जाएगा, एन माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस के माइनस 1 विच इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस सी के माइनस 1. दिस इज डन. ओके दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आई हूँ, लेट्स हैव अ लुक. द एचओडी मेक्स 4 विजिट्स इन 15 डेज इन अ कंप्यूटर लैब, ओके, 4 विजिट्स 15 दिन में. इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक दीज 4 विजिट्स सच दैट नो 2 विजिट्स अकर इन कंसेक्यूटिव डेज. मतलब कि अगर मेरे पास 15 दिन है, अगर फर्स्ट विजिट इधर हो गई है तो ऑब्वियसली सेकेंड विजिट के लिए मुझे एक दिन तो एटलीस्ट छोड़ना पड़ेगा, v1 v2, फिर आपने v3 थर्ड विजिट डाल दी और कहीं पे भी आपने v4 फोर्थ विजिट डाल दी. अगर आपको मिनिमम भी चाहिए तो भी आपको v3 स्टार्टिंग में डालोगे, एक और दिन छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके v4 आएगी. तो नो कंसेक्यूटिव विजिट्स कैन हैव, सॉरी, नो 2 विजिट्स कैन हैव कंसेक्यूटिव डेज, ऑलराइट. तो एटलीस्ट एक दिन का डिफरेंस उनमें होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन आइडियली स्टार्स एंड बार्स का है, बट कैसे देखते हैं जरा. ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि 4 विजिट्स में हमारे पास कितने दिन है, 15 दिन है.
15 दिनों में 4 विजिट्स होंगी तो ऑब्वियसली बचे कितने दिन, 11 दिन बचेंगे, ठीक है। तो ऐसे मानते हैं V1, V2, V3 एंड V4, ये 4 विजिट्स हो गई। इसके पहले या बाद में बचे हुए 11 दिनों को हमें इस तरह से डिवाइड करना है सच दैट V1, V2, V3 एंड V4 उसमें आ जाए। तो क्योंकि इन 4 विजिट्स ने 4 दिन ले लिए तो 15 - 4 बचे 11 दिन। अब इन 11 दिनों को आप ऐसे डिवाइड करो कि अगर मैं इसको बोलूं D1, D2, D3, D4 एंड D5 such that D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 will give you 11। ये बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या हुआ, V1, V2, V3, V4 हो गया। इन विजिट्स के पहले और बाद में जितने भी दिन होंगे उनको हमने वेरिएबल्स मान लिए D1 से D5, जिन सबका सम क्या होगा 11। कुछ कुछ मैच होता हुआ दिख रहा है, 11 दिन तो 11 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स 5 वेरिएबल्स में डिवाइड करना है, ओके, एंड दे आर डिफरेंट। कंडीशन यहाँ पे क्या है गाइस, कि D1 से D2, D2, D3 एंड D4 हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ना, क्योंकि हमें इन्हें कंसेक्यूटिव नहीं रखना है 1 1 1, और D1 एंड D5 कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस आगे आंसर, कितने टोटल डेज हैं 11 प्लस कितने वेरिएबल्स हैं 5, 11 प्लस 5 माइनस 1, ठीक है, ये तो हो गया मेरा n माइनस k, माइनस करेंगे 1 1 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सी के माइनस 1, यही हमने अभी डिस्कस किया था। बचे हुए वेरिएबल्स 11, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस k माइनस 1, व्हाट इज k, 5 वेरिएबल्स हैं, 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, सो दिस विल गिव यू 1 2 3 4 हो गया, तो बचा 12 C4, दिस इज योर आंसर।